नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, मजे में। तो कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पोर्शन किया था, एनर्जी का। ठीक है, हमने एनर्जी निकाली थी या वर्क निकाला था। वर्क या एनर्जी एक ही बात है, और वो हमने निकाला था डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आज का जो हमारा टाइटल है वो है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आखिर ये क्या होगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें कुछ नहीं है, थोड़े सिंपल से फॉर्मूले काम करेंगे, उन्हीं फॉर्मूलों को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करके लिख देंगे, और उसी फॉर्मूले से हम जो है उसकी वर्क या एनर्जी निकालेंगे। देखो, दो तरह के बेसिक फॉर्मूले काम करते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, वो नॉर्मली आप लोग काम में लेके चला सकते हो। तो पहले हेडिंग दो, पहले कल का देख लो, ये कल लास्ट की कुछ स्लाइड्स थी। अब हेडिंग दो और इसमें लिखो द एनर्जी ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द एनर्जी ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बड़ा सिंपल टास्क है, कोई हेडेक वाली बात नहीं है, कोई बर्डन वाली बात नहीं है। केवल आपको ही देखना है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये याद भी रखना, ये आगे बहुत काम आएगा बेटा। ये जो फॉर्मूला मैं लिखवाने वाला हूँ ना, ये फॉर्मूला आगे आपकी जो भी वो होगी, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वहाँ ये फॉर्मूला बड़ा काम आएगा। तो एक तो ये होता है, अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ना, तो ये रो की फॉर्म में है, यहाँ पर ये पोटेंशियल है, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला आप काम में ले सकते हो डायरेक्टली, ठीक है ना। इसको डायरेक्टली आप काम में ले, उसको लर्न करके रखना। वेयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस, वेयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस। अब बच्चों, यहाँ पे रो है जो चार्ज डेंसिटी है, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो फिर यहाँ वॉल्यूम का स्ट्रक्चर आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सरफेस का स्ट्रक्चर आएगा। तो जिस तरह की चार्ज डेंसिटी है उसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बट हम अभी फिलहाल इसको सिंपली बोल सकते हैं चार्ज डेंसिटी। और यहाँ पर वी जो है वो वॉल्यूम नहीं है, वो क्या है, पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल और वॉल्यूम डिफर हो सके, इसलिए मैंने पोटेंशियल को वी और वॉल्यूम को डी टो लिखा है ना, ये कुछ भी हो सकता है। बट अगर मान लो आपको पोटेंशियल निकालने में कंटाल आता है और आप सोचते हो यार पोटेंशियल तो बड़ी भारी चीज़ है निकालना, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड से भी निकलता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट बाई टू, एंड सिंपली ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला भी काम करता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ये V2, ये भी फॉर्मूला काम कर रहा है, ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखना, आप जब ईएमटी पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे, ईएम वेव, वहां पर एनर्जी डेंसिटी का काम आता है। बेटा एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है बेटा कि हम लोग यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी निकाल लें। तो जैसे यूनिट वॉल्यूम में हम एनर्जी निकालेंगे वो ये निकल के आएगी। मैंने क्या करा, वॉल्यूम को यूनिट कर दिया, वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया, तो उस स्थिति में एनर्जी का फॉर्मूला ये होगा। तो इसीलिए वहां पर आप जब इस बात को समझोगे ना, तो वहां पर इसे एनर्जी डेंसिटी नाम दे दोगे, वहां पर आपको एनर्जी डेंसिटी नाम दोगे किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो फिर आप इस फॉर्मूले को काम में लेके और अपना जो है आंसर निकाल सकते हो। आपको जो इच्छा हो, जैसी इच्छा हो वैसे आप आंसर निकालिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर बता दूँ, ये जो है ये चार्ज डेंसिटी में इसलिए बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज डेंसिटी होगी, जिस अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होगा उसी अकॉर्डिंग ये डीटो चेंज होगा। डीटो इसलिए लिखा है
क्योंकि डीटो लेंथ का एलिमेंट हो सकता है, डीटो सरफेस एलिमेंट हो सकता है और डीटो वॉल्यूम एलिमेंट भी हो सकता है। तो डीटो का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे कि स्ट्रक्चर किस अकॉर्डिंग है ये उसी अकॉर्डिंग वेरी करेगा। मैं आपको कुछ सवाल कराऊंगा और मैं आपको दोनों फॉर्मूले से कराऊंगा जैसा आपको ठीक लगे, बस ये कि आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का पोटेंशियल या एनर्जी पता होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर जो है एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला बड़ा काम का फॉर्मूला है, ये आगे बहुत काम आएगा। अब ईएम वेव में मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, बट मैं आपको बताऊंगा जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे फॉर्मूले मैग्नेटिक फील्ड में काम आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे फॉर्मूले काम आते हैं, बस अंतर क्या होता है, जहां पर एप्सिलॉन है वहां पर 1/μ कर दो। हर फॉर्मूले में जहां जहां भी एप्सिलॉन है वहां वहां आप क्या कर सकते हो, 1/μ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जहां जहां ई है वहां वहां बी कर सकते हो, तो ई को बी से भी रिप्लेस कर सकते हो, ई का बी से रिप्लेसमेंट हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं ना। तो ये वाली बातें हैं कुछ। अब इसको लेके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओके, सो वेयर इट इज, ओके सो दिस इज नाउ, ओके तो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज क्वेश्चन नंबर एक, फाइंड द एनर्जी Find the energy of a uniform charged spherical shell of total charge q at radius r आई बात समझ में। तो देखो एक स्फेरिकल शेल हम यहां पे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे समझाता हूं मैं आपको, ये रहा, ओके सो दिस इज द स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, जिसमें अंदर कोई चार्ज नहीं होता। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं होता तो फिर वहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है, क्योंकि चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। हाँ, पर पोटेंशियल का चार्ज से इतना कोई संबंध नहीं है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वहां पर जो है वो पोटेंशियल जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो खैर है जीरो, बट पोटेंशियल की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी निकलवा चुका हूँ बच्चों, मैं आपको ऑलरेडी निकलवा चुका हूँ कि पोटेंशियल क्या होता है। स्फीयर के जो अंदर होता है ना, इसके अगर रेडियस आर है तो जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वी इज इक्वल टू कितना होता है, के क्यू अपॉन आर, क्योंकि ये इक्वो पोटेंशियल सरफेस होती है। मतलब इसके ऊपर अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि सारे चार्ज सरफेस पर है, वॉल्यूम में चार्ज है नहीं, यूनिफॉर्म शेल है, तो इसीलिए जो भी पोटेंशियल सरफेस पर है वही पोटेंशियल इसके अंदर होगा। हाँ, बाहर वाली बात अलग है, क्योंकि बाहर का स्ट्रक्चर के लिए आप जब गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते हो, बाहर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जब आप गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते हो
तो इस गाउसियन सरफेस के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और निकालते हैं। जैसे आउटर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये भी आपको पता है, खैर आउटर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अगर ये आर डिस्टेंस पे आपको निकालना है, और आउटर सरफेस पर पोटेंशियल भी लगभग इतना ही होता है। तो मैं इस सवाल में सारे पैरामीटर्स जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस स्मॉल आर है, तो मैं इस सवाल के पैरामीटर्स जानता हूँ, मैंने इसको सॉल्व कर रखा है पहले ही, आपने भी सॉल्व कर रखा है, तो आपको पता है कि पोटेंशियल कहाँ कितना होता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कितना होता है। तो बस अब केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर लेके आना है। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखो पहला फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ, सो मेथड नंबर एक, अगर मैं इसको वर्क निकालना चाहता हूँ, इसको बनाने में, इसको फॉर्म करने में, इसके चार्जेस को स्टेब्लिश करने में, तो इसका मेथड नंबर एक ही है कि आपको केवल वर्क निकालना है। सो वर्क इज इक्वल टू कितना है, 1/2 एंड वो चार्ज डेंसिटी वी और डी टू। अब इसमें जो रो है वो रो तो है नहीं क्योंकि सरफेस चार्जेस है, इसलिए सिग्मा होगा ये, तो हम सिग्मा लिखेंगे। पोटेंशियल तो खैर पोटेंशियल है, और सिग्मा अगर आएगा तो फिर यहाँ पर डी ए आएगा, डी ए मतलब कि सरफेस, ठीक है। अब हम स्फेरिकल शेल है तो स्फेरिकल शेल में सरफेस पर चार्जेस है, तो आर के डायरेक्शन में सरफेस हम पहले भी समझ चुके हैं कितना होता है, द सरफेस इन द आर के डायरेक्शन इज सिंपली आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस रेडियस पर है, साइन थीटा डी थीटा डी फाई, आप लोग ये ऑलरेडी समझ चुके हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सीधा 4 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, बट अगर नहीं लिखना चाहो तो आपकी इच्छा, क्योंकि पोटेंशियल भी हम देख लेते हैं, आर के साथ अगर वेरी कर रहा है तो करेगा वो, भले थीटा के साथ फाई के साथ तो वेरी नहीं करता जहाँ तक मुझे पता है। तो 1/2 तो क्या ठीक है, और सिग्मा जो है वैसे भी कांस्टेंट है, थीटा और फाई की लिमिट लगा दो, थीटा की फाई की लिमिट इतनी होती है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ पोटेंशियल नहीं वेरी करेगा थीटा और फाई के साथ, और अगर ये वेरी नहीं करेगा सीधा वैल्यू पुट कर दो, इसको लिख देना, के क्यू अपॉन आर होता है पोटेंशियल ना, बाकी सरफेस का बिल तो खैर है से आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाइव, ठीक है। हमें सरफेस पर चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसीलिए सरफेस पर पोटेंशियल लिखा हुआ है मैंने ना, के क्यू अपॉन आर, आर से आर कट जाएगा, ठीक है। सिग्मा सरफेस पर कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपसे पहले कहा था आप डी ए को 4 पाई इसको लिख सकते हो, यहाँ से अगर आप निकालोगे इस लिमिट को, यहाँ इस इंटीग्रेशन में रखोगे तब भी वो 4 पाई इसको ही आएगा। सो 1/2 तो खैर कॉन्स्टेंट है, सिग्मा बाहर आ जाएगा, के क्यू बाहर आ जाएगा, ठीक है, और आर भी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो 2 होती है, और डी फाई का वैल्यू होता है 2 पाई, तो वैसे भी 4 पाई बनेगा, वो वही बनेगा। तो सब कुछ जानने समझने के बाद आप सिग्मा का वैल्यू पुट कर सकते हो, सिग्मा जो है सरफेस चार्ज है तो 4 पाई आर स्क्वायर ही होता ही है, तो जैसे आप ये पुट कर दोगे तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर के क्यू 4 पाई आर, तो 4 पाई से 4 पाई गया, आर से आर गया, और के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर। आगे बात समझ में, अब यही जो सवाल है तुम दूसरे मेथड से भी करो सेम ही आंसर आएगा, इसी सवाल को सेकंड मेथड से हम लोग कर रहे हैं तो क्या बुराई। तो सेकंड मेथड जो है वो ये बात बोलता है ये बराबर कितना होता है Epsilon/2 और E²D2। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ कितना कितना है, तो खैर अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो आपने चार्जेस को इन्फानेट से लेके आना और इस्टेब्लिश करना, तो खैर मैं
अंदर की तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट बाई टू तो खैर यहाँ है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूँ 0 से लेके R सरफेस तक, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे काम करेगा नहीं, है ना। बट अगर मैं बात करूँ बाहर की, तो खैर बाहर तो काम करेगा। और एक और चीज, ये जो है ना, ये हमेशा वॉल्यूम इंटीग्रली आएगा, ये मत सोच रहे कि सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए सरफेस आएगा, ना 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 ना, इस वाले फॉर्मूले में डीटो ऑलवेज वॉल्यूम इंटीग्रल होगा ऑल स्पेस के अंदर। मैं यहाँ लगाता हूँ, भले आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे ये लिमिट जो है ना यहाँ पे लिखता हूँ ऑल स्पेस। ऑल स्पेस का मतलब होता है बेटा सब पूरे आकाश में, और पूरे आकाश में बेटा वॉल्यूम इंटीग्रल ही काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन चाहे सरफेस हो, लाइन हो, कुछ भी हो, बट इस फॉर्मूले में ये वॉल्यूम का ही काम करेगा, इसलिए वॉल्यूम की लिमिट लगानी पड़ेगी। अब ये हम लोग आर से इनफाइनाइट आर की लिमिट लेंगे बिकॉज हम बाहर का स्टडी करेंगे। खैर परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए थीटा और फाई तो पूरा पूरा लिमिट अपना लेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ई का वैल्यू बाहर की तरफ हमको लिखना है, तो के क्यू अपॉन आर मैंने आपको पहले लिखा था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डीटो वॉल्यूम इंटीग्रल है सिंपल, उसमें स्फेरिकल लिमिट में, तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई। तो इस स्थिति में डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट बाई टू, और आप चाहो तो सीधा रखो यार, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, नीचे की तरफ एक आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और के स्क्वायर क्यू स्क्वायर तो खैर इसको तो कॉन्स्टेंटली बाहर निकाल दो, और नीचे की तरफ आर स्क्वायर बचेगा, तो जो वन अपॉन आर स्क्वायर का होता है माइनस वन अपॉन आर, और लिमिट है आर से लेके इनफाइनाइट। बाकी थीटा और फाई में कोई चेंजेस नहीं, हमेशा की तरह थीटा और फाई की लिमिट का आंसर 4π आएगा बिना किसी हेडेक के। बस अब आपको ये लिमिट्स पुट करनी है और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। एक के को मैं एक काम करता हूँ, एप्सिलॉन नॉट बाई टू तो ठीक है, एक के को लिखता हूँ 1/4π एप्सिलॉन नॉट, दूसरा के अकेला रखो, क्यू स्क्वायर रखे रहने दो, अपर लिमिट पुट करोगे तो 1/∞ मतलब 0, माइनस लोअर लिमिट, 1/∞ मतलब 0 होता है बेटा, तो अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट 4π, 4π से 4π गया, इससे ये गया, इसका वैल्यू ऑलवेज 0 होता है जैसा कि मैं बता सकता हूँ आपको। तो इसको सॉल्व करने के बाद याद आया कि एक स्क्वायर आ गया ना सेम आंसर, तो किसी से भी करो बेटा आंसर सेम ही आएगा। दोनों फॉर्मूले अप्लाई करना मैंने आपको सिखा दिया किस तरीके से दोनों फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। अब अगला सवाल मैं आपको करवाता हूँ, हिंट दे दूंगा, आप लोग खुद कर सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर इन अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू। डू इट, ठीक है, डू इट मतलब डू इट करो इसको, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फेयर, अब की बार पूरा पूरा स्फेयर है, तो स्फेयर के पूरे पैरामीटर्स आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपको बस हिंट दूंगा इस सवाल करने के लिए सॉल्यूशन। मेथड नंबर एक से भी आपको करना है, मेथड नंबर दो से भी आपको करना है। तो मेथड नंबर एक ये बात बोलता है कि आप डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या पुट करो, 1/2 रो
V2। अब यहाँ तो खैर सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर में तो ऑटोमेटिकली आप जानते हो क्या काम करता है। सॉलिड स्फीयर में आपका काम करता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। अब यूनिफॉर्मली उसको भरना है। अब एक बात बताओ, जब मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन केवल सरफेस पर है, तो इसीलिए मैंने पोटेंशियल जो लिया वहां पे वो सरफेस का लिया था। बट सॉलिड स्फीयर क्या पूरा भरा होता है चार्जेस से, तो उसमें जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वॉल्यूम के अंदर है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आपको काम में लेना है वो काम में लेना है अंदर का, ठीक है। अब ये आप पन्ने पलट के देखो फटाफट से कि सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कितना होता है। जहां तक मैं जानता हूँ वो होता है, पहले तो वॉल्यूम इंटीग्रल की तीन लिमिट लगाता हूँ मैं, रुको, फिर मैं रो कॉन्स्टेंट को रो लिखता हूँ। और मैं जहां तक समझता हूँ अंदर की तरफ जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू अपॉन टू आर और 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक्चुअली प्रॉब्लम इस वाले फॉर्मूले में बस ये, आप पोटेंशियल्स याद होना चाहिए, वरना आपको निकालना पड़ेगा पोटेंशियल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इस फॉर्मूले के साथ। और डीटो की जो खास बात है वो तो है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर से मैं ये बात बोलूंगा, साइन थीटा डी थीटा डी फाई में कोई चेंज नहीं है, इसका वैल्यू 4 पाई फिक्स होता है, तो कृपया करके इसको डायरेक्टली आप लोग रख दीजिए। और K³ / 3 2 2 4 फोर आर तो खैर बाहर आ गया क्योंकि 2 यहाँ पर है 2 आर यहाँ पर है। रो का तो बेचारे का कॉन्स्टेंटली बाहर ले लो, तो रो को बाहर ले लिया मैंने। अब क्या बचा केवल, ओके, अब केवल साइन थीटा डी थीटा डी फाई का वैल्यू 4 पाई है। हाँ, अब आपके चार्जेस कहाँ से कहाँ तक भरे हुए बेटा, सेंटर से लेके और सरफेस तक पूरा भरा हुआ है गोला, इसलिए लिमिट कितनी लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे आर की लिमिट कितनी लगा सकते हो, थीटा की लिमिट तो खैर पूरी पूरी आएगी बिकॉज कंप्लीट स्फेयर का आप स्टडी कर रहे हो, तो कंप्लीट स्फेयर तो इसी लिमिट में पूरा होता है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लो, खत्म काम, ये तुम्हारे लिए हिंट हो गया। इस तरीके से सवाल करना होता है बेटा इस फॉर्मूले में। बाकी मेरा जो फेवरेट फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है। उस फॉर्मूले में फेवरेट मेरा इसलिए है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू याद होना चाहिए। इसका तो वैल्यू जाएगा 3/5, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है बेटा जो 12th क्लास में आती है, सॉरी 12th में नहीं, BSc में आती है, कि एक कंप्लीट स्फेयर को बनाने में कितनी एनर्जी का वेस्ट होगा। तो ये कंप्लीट स्फेयर को बनाने में एनर्जी इतना वेस्ट हो जाएगा। इसी से निकलती है इलेक्ट्रॉन की रेडियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटा पार्टिकल है, उसकी रेडियस ऐसे नॉर्मली काउंट करना मुश्किल ही नामुमकिन है। इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड स्फेयर है जिसमें कंप्लीट चार्ज कितना भरा हुआ है, -E, और उसको बनाने में कितनी एनर्जी की वेस्टेज हुई है। फिर इससे मतलब ऐसा कुछ समथिंग वो मैं ज्यादा याद है मुझे, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी 0.511 MeV, ऐसा कुछ पता नहीं, आई डोंट नो। फिर उसमें वो क्या बोलते हैं, क्यू का वैल्यू एक चार्ज के बराबर रखते हैं, इतना एनर्जी वेस्ट हो रहा है तो उससे रेडियस निकल जाती है इलेक्ट्रॉन की, ऐसा कुछ मुझे याद है। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये फॉर्मूला जो है किसी PGT लेवल के एग्जाम में या फिर किसी छोटे मोटे एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली। एनीवे, मैं आपको दूसरा मेथड सिखाता हूँ जो मेरा फेवरेट मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, क्योंकि उस मेथड में मुझे ज़्यादा कुछ याद रखना ही नहीं पड़ता ना बेटा। सो Epsilon/2 एंड ऑल स्पेस के अंदर आपको लेना है, तो यहाँ तो वैसे भी हमेशा वॉल्यूम की लिमिट लगाई जाएगी, नो डाउट। और इसमें एक बात याद रखना है, इसमें कंप्लीट ऑल स्पेस का काम होता है, इसलिए हमको सारा कुछ लेना पड़ता है, केवल उतनी लिमिट नहीं लेनी जहाँ जहाँ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना 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 ना, पूरा लिमिट इनफाइनाइट से पूरा तक लाने में। तो ये 0 से लेके R अंदर की लिमिट है, तो एक कंप्लीट स्फेयर के अंदर जो जहाँ तक मैं जानता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ R/R³, ये स्फेयर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। और बाकी तो R² sin θ dr dθ dφ, इसको तो लेने का मतलब ही नहीं, ये वैल्यू फिक्स होती है 4 पाई, दो लिमिट जो इसकी है ना 0 से लेकर 4 पाई होती है। फिर उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा बाहर की ओर, मतलब R से लेके इनफाइनाइट की ओर।
यहाँ जब जाएंगे तो मैं जानता हूँ कि भैया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला बाहर की तरफ और होल स्क्वायर, बाकी तो खैर आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई है तो उसमें 4 पाई लिखता हूँ यार, कहाँ तक लिखे बार बार डी आर या लगाता हूँ इसके लिए बस, है ना। ओके सो फाइनली इसको क्लोज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे इसको हम जानते हैं कि भैया ये तो एप्सिलॉन नॉट बाई टू और 4 पाई, 4 पाई बाहर निकाल लो, हर जगह 4 पाई तो वो आ ही रहा है। अब जो जो चीजें बाहर आ रही है उनको हम बाहर निकाल सकते हैं बेटा, जैसे इसमें के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाहर आ रहा और नीचे से आर की पावर 6 बाहर आ जाएगी, तो बस केवल 0 से लेके आर लिमिट में आपका रहेगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर 4 डी आर। और यहां से अगर देखा जाए प्लस 4 पाई तो बाहर ले लिया, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन, ठीक है और मेरे हिसाब से कुछ होगा नहीं बाहर नीचे तो। हाँ तो बस अब तो केवल आर से लेके इन्फानेट तक आपको जाना है, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ले, ये वैसे सॉल्व होगा पहले की तरह, एक के को बाहर निकाले ना उसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा 3/5। एक के को बाहर निकाल के और उसको प्रॉपर सॉल्व कर लेना, आ जाएगा डोंट वरी। चलो मैं कर देता हूँ यार आपके लिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ये बाहर बच रहा है, एक के को बाहर निकाल लोगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो क्यू स्क्वायर सबका बाहर आ ही रहा है और के को बाहर ले लो, एक के को निकाला है तो एक के को तो रखना पड़ेगा ना, पहले टर्म में आएगा 1 अपॉन आर की पावर 6, आर की पावर 5.5, सो आर की पावर 5.5, ये फर्स्ट इंटीग्रल का लिमिट पुट कर दिया, सेकंड में वही -1 अपॉन आर आएगा, -1 अपॉन आर मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वही सेम 1 अपॉन आर ही आएगा फिर प्लस, ये तो खैर 1 अपॉन आर ही बचा, तो 1 अपॉन 5 आर प्लस 1 अपॉन आर ये कट ही रहा है इससे, तो 1 अपॉन 5 आर प्लस 1 अपॉन आर कितना बचा, 2 अंदर ले लो, एलसीएम वेलसीएम ले लो चाहो तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर बाहर ले लो 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5, 5 एलसीएम आ जाएगा, सो 1 प्लस यहाँ 5 आ जाएगा, तो 6 3 6 बस आगे तो आराम सही है, 3/5 के स्क्वायर अपॉन, दैट्स इट, पूरा सवाल सोल्व कर दिया मैंने, और बताओ हिंट भी दी थी करते करते। एनीवे अगला सवाल करो, स्फेरिकल शेल कर लिया, सॉलिड स्फेयर कर लिया, अब एक काम करते हैं होलो स्फेयर करते हैं। होलो स्फेयर के अंदर क्या होता है बेटा, बीच में चार्ज होता है ना, सरफेस पे ना वॉल्यूम में, सरफेस के अंदर जो वॉल्यूम है उसमें होता है, सरफेस के अंदर वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि उसमें एक मोटी सरफेस होती है, जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल जैसी सरफेस होती है उसे बोलते हैं होलो। अब इसमें तो खैर मैं हिंट ही दूंगा आपको, इसका इंटीग्रेशन आपसे ही सॉल्व करवाऊंगा मैं, फाइंड द एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फेयर विद इनर रेडियस विद इनर रेडियस
इनर रेडियस का वैल्यू दे रखा है बेटा ए एंड आउटर रेडियस बी एंड एंड आउटर रेडियस बी हैव टोटल चार्ज प्लस क्यू हैव टोटल चार्ज प्लस क्यू। दोनों मेथड से काम कर सकते हो आप। देखो मैं तो ये मानता हूं सबसे सिंपल मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। हाँ होलो स्फीयर के अंदर बाहर हर जगह आपको ना बताया वो पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है मामला। होलो स्फीयर ऐसा होता है बेटा इसके तीन रीजन होते हैं। खैर ये मैंने करा रखा है तो मैं डबल डबल नहीं कराऊंगा इसको कि ये ए होता है। हाँ अगर एग्जाम टाइम में वर्क निकालने को आ जाए ना इस तरह से और आपको नहीं पता तो जरूर आपको गाउस लॉ लगा के फिर करना पड़ सकता है। देखो तीन रीजन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बोलूँ कि आर लेस देन ए मतलब अंदर की ओर निकालो यहाँ पे किसी पॉइंट पे तो जीरो बिकॉज वहाँ चार्ज होता ही नहीं है, बीच में चार्ज होता है। तो आप बीच वाले रीजन में मतलब इस रीजन में आप निकाल सकते हो और वो जहाँ तक मुझे याद है मैंने निकलवाया था रो अपॉन थ्री एप्सिलॉन नोड, रो अपॉन थ्री एप्सिलॉन नोड आर माइनस ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, आर माइनस ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। बाकी आप चाहो तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो आर ग्रेटर देन बी रीजन के अंदर भी आप निकाल सकते हो और वो जो होता है कहाँ चला गया ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इधर है तो खैर रो की वैल्यू बोलता है तो क्यू फॉर्म में भी आ जाएगा। तो इस तरीके से अब आप वर्क निकाल सकते हो। अब ये इंटीग्रेशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वर्क का फॉर्मूला आपको बता ही दिया मैंने सबसे सिंपल ये होता है। मैं आपको बस हिंट दे रहा इंटीग्रेट आपको करना पड़ेगा ये। तो मैं पहले एप्सिलॉन नॉट बाई टू लिखता हूँ पहले मैं मुझे पता है कि ये कोई भी थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं थीटा वाली लिमिट तो फिर से 4 पाई बाहर लिखता हूँ बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं ना उसको। तो पहले हम अंदर शुरू करते हैं 0 से लेकर r तक जाते हैं। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या डी वी लिखेंगे हम लोग डी आर की टर्म में लिखेंगे और हाँ डी आर की टर्म में लिखते वक्त याद रखना अरे ये आर लगा दिया मैंने अंदर तो 0 से लेकर a तक है। हाँ डी आर की टर्म में एक बात लिखना बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं सिली मिस्टेक हमेशा याद रखना। स्फेरिकल लिमिट में हमेशा आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते वक्त डी आर नहीं लिखते आर स्क्वायर डी आर लिखते हैं बेटा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो सबसे होती है थोड़ा ध्यान रखना इस मिस्टेक पर। तो मैं यहाँ पे ई स्क्वायर लिखने वाला हूँ तो ई स्क्वायर कितना होता है रो स्क्वायर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नोड का मतलब 3 3 9 एप्सिलॉन नोड स्क्वायर और जो भी आपका फंडा है आर माइनस इसकी पावर 2 है हो जाएगी और डीटो का मैंने केवल और केवल आर स्क्वायर डी आर लिखना है क्योंकि मैंने उसका साइन थीटा डी थीटा डी फाइव को तो वैसे 4 पाई बाहर लिख ही दिया ना और क्या बचा इसमें। अब थर्ड इंटीग्रल बचा ना आर से लेके इनफाइनाइट वाला नहीं आर से इनफाइनाइट नहीं एक्चुअली इसमें बी से आएगा तो बी से हम लेंगे बाहर। इसमें ना मैं एक मिनट तुमको क्लियरिफाई कर दूं इसमें इनफाइनाइट लिमिट हम पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
कर तो सकते हैं, एक बार कोशिश करना करने की। देखो बी से इन्फिनिट जाएगा ये, है ना, और ई जो है वो आउटसाइडर कितना है, तो रो की टर्म में लिख दूं मैं, एक बार रुको, एक बार रो की टर्म में कितना है ये, इसको रो की टर्म में लिखना है एक बार, इन टर्म्स ऑफ रो। सो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है इसका वैल्यू रो की टर्म में। तो रो की टर्म में रखना है इसको एक बार, सो रो स्क्वायर अपॉन 9 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन आर 4 आर स्क्वायर dr। बस अब ये आप लोग सॉल्व करिए इस इंटीग्रेशन को, और मेरा जो आया था आंसर मैं आपको बता दूं, हो सकता है शायद मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ मैंने जो सॉल्व किया था उसका आंसर ये था 2/3 पाई रो स्क्वायर। ये सब प्रैक्टिस के लिए होते हैं सवाल बेटा, इसमें आप ऐसे बस कैलकुलेशन के लिए हेडेक मतलब अपनी मिस्टेक्स पकड़ना कैलकुलेशन करते वक्त आप लोग कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हो। माइनस ए क्यूब बी स्क्वायर ये करना है आपको। अब जो पोटेंशियल वाला है ना टास्क, उससे भी एक बार कोशिश करना करने की, पोटेंशियल वाले तरीके से भी कोशिश कर सकते हो। और बेटा आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए ना, अंदर कितना है बाहर कितना है, वो सारा पोटेंशियल तो पता होगा आपको, तभी तो काम बनेगा। चार्जेस वैसे ए से लेके बी के बीच में ही है, और कहीं चार्जेस है ही नहीं। इसमें सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा पहले, और मैं जहाँ तक जानता हूँ चार्जेस जहाँ है उसी बीच में पोटेंशियल निकालना है आपको। तो इस बीच का जो पोटेंशियल होता है ना, मैंने निकलवाया था आपको इसका पोटेंशियल, तो इस रीजन में जो पोटेंशियल है वो है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बी बी क्यूब माइनस ए क्यूब। नहीं पता तो वो क्लास देखना जहाँ पे हमने पोटेंशियल निकाला था, और नहीं निकाला हो तो इसको निकालने की कोशिश करना जैसे मैंने सिखाया था कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो इस रीजन में ही हमको पोटेंशियल चाहिए, बिकॉज उसी में चार्ज डेंसिटी है। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल ये वाला, अपॉन टू माइनस ए क्यूब बाई बी। अब आपको जो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला है वो पुट करना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 रो वी डी वी। तो रो तो खैर कांस्टेंट है, डी वी के अंदर साइन सीधा टीचर टू वाला ये फॉर्मूला है ना, यही तो फॉर्मूला काम में लेना है। अब इसके अंदर साइन थीटा डी फाई हो तो खैर परमानेंटली 4π है, केवल वो आर स्क्वायर डी आर वाला काम ही करना है। तो खैर चार्जेस ऐसे बी के बीच में है, तो ये पूरा पोटेंशियल जो है ना ये यहाँ रख देना, बहुत लंबा है मैं रख नहीं पाऊंगा, आप लोग रख देना। देन आप लोग क्या करेंगे इसमें आर स्क्वायर से डी आर ये वाला काम करके सॉल्व कर लेना, ये आंसर आएगा चेक। तो आज की क्लास यही करते हैं, ये पोटेंशियल वाला काम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थोड़ा सा रोकते हैं, और पोटेंशियल वाले कुछ और सवाल में हैं वो मैं कल करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कुछ पोटेंशियल के और क्वेश्चंस हैं
जो हम लोग कल करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।